नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कैप्टन अमेरिका सेंटिनल ऑफ लिबर्टी का एपिसोड 1। तो आज से मैं स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका की स्टोरी आर्क को समझाने वाला हूं और उसके बाद मैं सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के स्टोरी आर्क को समझाऊंगा। और दोनों भी हमारी पिछली कहानी कैप्टन अमेरिका सेंटिनल ऑफ लिबर्टी से जुड़ी हुई है जहाँ स्टीव रॉजर और सैम विल्सन ने मिलकर अरविंद सोला को रोका था। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इशू की शुरुआत में हम फौज को देखते हैं जहां पर वाइब्रेनियम को पिघलाकर कैप्टन की शील्ड बनाई जा रही थी और फाइनली वो शील्ड बनकर तैयार थी। उसके बाद हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो अपने बारे में बता रहा था। तभी कैप्टन कहता है कि मैं जानता हूं कि वॉर क्या है और वो कैसे भगोड़े को एक हीरो बना सकती है। मैं जानता हूं कि लड़ाई में दोस्ती क्या होती है जब कोई अपना दोस्त मारा जाता है। मैं मिशन भी जानता हूं और तबाही भी। मैं प्यार भी जानता हूं और उससे ज्यादा मैं ड्रीम जानता हूँ। फिर हम स्टीव रॉजर्स को देखते हैं जो एक अपार्टमेंट में रहने आता है। तभी उस अपार्टमेंट का ओनर स्टीव से कहता है, कैप्टन अमेरिका मेरी बिल्डिंग में रहना चाहता है। जिस पर स्टीव कहता है हाँ, और वो भी अपार्टमेंट 415 में। जिस पर वो ओनर कहता है कि वो तो रैट्स का घर बन चुका है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो ये रही चावी। यह कहते ही वो ओनर स्टीव को फ्लैट की चावी दे देता है और चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ एक छोटा बच्चा देख रहा था जिसे स्टीव भी देख रहा था और उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम अमारी है। उसके बाद स्टीव अपने रूम में आता है। ये रूम देखकर स्टीव को पुराने दिन याद आते हैं। अगले ही दिन स्टीव जॉगिंग में निकलता है अपनी शील्ड को लेकर, लेकिन रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं। फिर हमें तीन लोग दिखाई देते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये है रॉजर्स और ये है जॉन और ये है पैम, और ये लोगों को एक सिग्नल मिला है। ये कहते हैं स्टीव रॉजर अपना कैप्टन अमेरिका वाला सूट पहन लेता है और कैप्टन अमेरिका बनकर एक मिशन पर निकल पड़ता है। तभी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से मिलने आता है जो 4 जुलाई के सेलिब्रेशन पर ध्यान रखे हुए था। तभी बकी कैप्टन से कहता है कि 7 घंटे हो चुके हैं पर कुछ नहीं हुआ है, क्या तुम्हारा सिग्नल सही है। जिस पर कैप्टन बकी से कहता है कि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर 8 मिलियन से ज्यादा लोग है। तभी बकी लटक कर कहीं आ जाता है और कैप्टन से कहता है कि संभल कर रहना, और वैसे भी जब से तुम बर्फ में थे तब से मैं मिशन करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें हमेशा खुली रहती है। तभी बकी देखता है कि वहाँ एक शिप आ रही थी। तभी बकी कैप्टन से कहता है कि ईस्ट में से एक शिप आ रही है और उसमें से अजीब से एनर्जी सिग्नल्स आ रहे हैं किसी एंटीमैटर एक्सप्लोसिव के, और ऐसे सिग्नेचर्स मैंने पहले कभी एक बार ही देखे थे। तभी कैप्टन आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने भी ये एक बार देखे थे। जिस पर बकी कैप्टन से पूछता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि ब्रायन तो 1953 में मर चुका है। जिस पर कैप्टन बकी से कहता है कि ये मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसने मास्क पहना हुआ था और वो शिप से बाहर आता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि 1941 में ब्रायन फॉल्सवर्थ जर्मन लाइन को पार कर गया था, लेकिन वो वहां पकड़ा गया। लेकिन नाजिस ने उसे जेल में डालने की बहुत बड़ी गलती की क्योंकि जेल में पहले से ही डॉक्टर एरिक स्मिथ था जो डॉक्टर एरस्कैन का दोस्त है, और उसी ने ही एक ही महीने में आसपास के कबाड़ को जमा करके ब्रायन के लिए सुपर सोल्जर सीरम बनाया था और ब्रायन बन गया डिस्ट्रॉयर। हम दोनों मिलकर कई लड़ाइयां लड़े हैं इंग्लैंड में, और फिर उसके बाद ब्रायन ने अपने पिता का नाम अपना लिया और बन गए यूनियन जैक, और उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रायन का मेंटल लिया। ब्रायन की मौत 1953 में हो गई थी और वो अपने पीछे महानता छोड़ गया था। उसका ये मास्क हीरोइज्म की निशानी है, लेकिन ये आदमी जो अब ये मास्क पहना हुआ है उसको देख के लगता है कि वो ब्रायन की लेगेसी का गलत फायदा उठाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहते ही कैप्टन अपनी शील्ड उस आदमी पे मारता है और उसे पीछे फेंकता है। तभी कैप्टन वहां आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि अपना डेटोनेटर मुझे दे दो और ये बिना हिंसा के यही खत्म हो जाएगा, और तुम्हें ये सूट उतारना होगा क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। तभी वो आदमी खड़ा हो जाता है और कैप्टन से कहता है, तो तुम आ गए कैप्टन, और मुझे लगा था कि बॉस ऐसे ही बोल रहे हैं, ये सब तुमसे बढ़कर है कैप्टन, और आज रात ही
असली शुरुआत होगी 21st सेंचुरी की, और यह पूरी सिटी जलने वाली है। तो अपनी सिटी को जलते हुए देखना कैप्टन। ये कहते ही वो आदमी अपने अंदर से एनर्जी ब्लास्ट निकालता है, लेकिन कैप्टन अपनी शेर से खुद को बचा लेता है और बकी से कहता है कि जल्दी मुझे मदद चाहिए। जिस पर बकी कैप्टन से कहता है कि मैं यहाँ से बुलेट फायर करता हूँ, लेकिन यहाँ एंटी मैटर होने के कारण बुलेट्स उसे छू नहीं पा रही है, मुझे किसी तरह क्लियर शॉट लेना होगा। जिस पर कैप्टन मना करता है। तभी वो आदमी अटैक करते हुए कैप्टन से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। ये कहते ही वो आदमी सीधा शिप पे छलांग लगाता है, और ये देखकर कैप्टन भी हैरान रह जाता है। तभी वो आदमी ऊपर घूम रहे बलून पर आता है, जहाँ पर उसका स्वागत करने पहले से ही बकी खड़ा था, और तब बकी और उस आदमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जिस बलून पे वे दोनों लड़ रहे थे वो स्टार्क इंडस्ट्री का है। यहाँ कैप्टन पानी से होते हुए बलून के पास आने लगता है, तो वही बलून के ऊपर बकी और उस आदमी के बीच लड़ाई जारी थी। यहाँ कैप्टन एक और बलून के पास आता है और वहाँ खड़े रहकर लोगों से कहता है कि ये बलून को ऊपर छोड़ दो। ये कहते ही वे लोग कैप्टन की बात मानकर बलून को ऊपर छोड़ देते हैं। तभी कैप्टन उस बलून की ओर दौड़ता है, और अगले ही पल वो उस बलून पर चढ़ जाता है और उस बलून से दूसरे पर कूद जाता है, जहाँ पर बकी और वो आदमी लड़ रहे थे। और फिर कैप्टन अपनी शील्ड उस आदमी पर फेंकता है। यहाँ वो आदमी बकी पर अटैक करता है और कहता है कि मैं हर रोज तुम्हारी कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ, और ऐसे ही मेरी कहानी भी सुनाई जाएगी। लेकिन तभी कैप्टन की शील्ड आकर उस आदमी के मुंह पर लगती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। तभी बकी अपनी गन उठाता है और उस आदमी पे फायर करता है, लेकिन तभी कैप्टन उस आदमी के आगे आता है और अपने शील्ड से बकी के बुलेट्स रोकता है, और बकी से कहता है कि रुक जाओ बकी, बहुत हुआ, अब सवालों के जवाब जानने का समय हो चुका है। ये कहते ही कैप्टन उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण उस आदमी का मास्क टूट जाता है। तभी उस आदमी के पास से एक डिवाइस मिलता है, जिसे कैप्टन तोड़ देता है और देखता है कि उसके अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। तभी ये देखकर कैप्टन बकी से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर बकी कहता है कि ये क्या एक और चमत्कारी क्रिस्टल, अब मैं तंग आ गया हूँ इस इन्फिनिटी स्टोन से या कॉस्मिक क्यूब से। जिस पर कैप्टन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम दोनों अपने पास से इतना ऑब्सेस हो चुके हो कि तुम्हें फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो तुम्हारे हाथों में है। ये सुनते ही कैप्टन उस आदमी से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, तुम किसके लिए काम करते हो और वो सिग्नल कौन भेज रहा था। जिस पर वो आदमी कैप्टन से कहता है कि तुम अभी सच नहीं जानते हो, लेकिन अब मैं अपना काम पूरा करने में नाकाम रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अब मरने वाला हूँ। तभी कैप्टन उस आदमी से कहता है कि बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो आदमी कैप्टन को पास में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी शील्ड वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये कोई सिंबल नहीं है, ये उनका है। ये कहते ही उस आदमी के दिमाग में कुछ हो जाता है और वो मारा जाता है। तभी कैप्टन उस आदमी को वही रखता है, और तब हमें कैप्टन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि जिस किसी ने डिस्ट्रॉयर को यहाँ भेजा था, उसी के कारण उस आदमी का खून मेरे हाथों पर लग गया है, लेकिन मरते हुए उस आदमी ने मुझे एक बात बताई, और अगर वो बात सच है तो मैं अब तक क्या उठा के चलता था, लेकिन अब मुझे सच जानना होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम बकी को देखते हैं, जो अपने कमरे में आता है और वो ग्लोइंग क्रिस्टल वहाँ रखता है और कहता है कि एक गया और अब चार बाकी है। ये कहते ही हम वहाँ पर एक बोर्ड देखते हैं, जिस पर बहुत से लोगों के फोटो लगाए हुए थे। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि मैंने आप लोगों को बहुत वेट करवाया, लेकिन आप सब लोग रुके थे रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, लेकिन जब आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तब तक मैं जीत चुका रहूँगा। मैंने बहुत बड़े पत्ते दाव पे लगाए हैं, और तुम सब जानते हो कि ये कौन सा खेल है, और ये भी कि मैं क्या हूँ। ये खेल चेस की तरह है, जिसे तुम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान इस खेल पर नहीं था, तब मैंने अपने प्यादे को किंग बना दिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि 20th सेंचुरी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन 21st सेंचुरी अभी शुरू होने वाली है। यह कहते ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।